You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different. तो सुभाष ने रात को ही पैकिंग कर ली थी और अनन्या सो गई थी तब. तो सुबह उठ के सबसे पहले वो वहीं गई और रात से ही बोल रही थी पापा क्यों जा रहे हैं, पापा क्यों जा रहे हैं. तो आके यहाँ पे सबसे पहले कह रही मुझे भी लेके जाना है. तो उठ के सबसे पहले यहीं घुसी. चलो एनीवेज क्या कर सकते हैं, काम है, जाना है तो जाना है. तो अभी उसको फटाफट लेके जाके तैयार करती हूँ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे टुडे. जल्दी करो, लेट हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो. इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो, बस चली जाएगी. हैप्पी एनिवर्सरी डियर मम्मा पापा, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. थैंक यू. किसने करेगी पापा को, जल्दी चलो. गुड नाइट. मुझे भी, हाँ मुझे तो किया ही नहीं. हैप्पी एनिवर्सरी. चलो सो जाओ, बाद में विश करती हूँ. क्या मस्त यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता है ना धूप की वजह से. ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे फॉर जिम. सो जस्ट फिनिश जुम्बा, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ. अब घर जाके फटाफट नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे बिकॉज आज है स्पेशल डे और आज शाम को सुभाष जा भी रहे हैं. चलो एनीवेज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है. मैंने थंडर स्टॉर्म का वो डाला था ना लास्ट वीडियो में, तो बहुत सारे फ्रेंड ने बोला था कि यहाँ पे भी थोड़ी सी भेज दो. तो मैंने सारी आप लोगों को भेज दी, मेरे लिए कुछ नहीं बचा. देखो अब इतनी धूप हो रही है, कल इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी. चलो थोड़ा सा रिलैक्स करूँ यहाँ पे, फिर घर जाके विल स्टार्ट. आज मेरा लेगिन और मेरा सोफ़ा बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो गया. बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि 15 साल हो गए ऐसे, बस कल की बात लग रही है. बिल्कुल फीलिंग नहीं आती. मतलब पहले हमको लगता है ना किसी की 5 साल शादी होगी, भाई 5 साल कितना ज्यादा लगता है, 15 साल का हो गया तो पहले दूसरे और कपल को देख के लगता था. हाँ दूसरे कपल कैसे हो गए, मतलब 5 साल भी बहुत ज्यादा लगता था कि 5 साल होगी शादी को. मतलब ऐसा लगता 5 साल शादी वाला तो बच्चे हैं. तो आप सबके बहुत सारे विशेष आए. मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी, उसमें एक गाना डाला था जो हमारा बहुत ही पर्सनल फेवरेट गाना है. यस, तो देखना वो इंस्टाग्राम में पक्का. तो अगर फॉलो नहीं करते तो पक्का फॉलो कर लेना. तो वो डाला था, तो उसपे बहुत सारे विशेष आए हैं, बहुत मैसेजेस ईमेल्स आए हैं. तो उसके लिए हम दोनों तरफ से थैंक यू. सो या तो मतलब अब ऐसा है कि अभी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फील नहीं हो रहा है बिकॉज आज सुभाष जा रहे हैं, तो सैड ज्यादा हूँ मैं, ज्यादातर एक्साइटेड. ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है मेरा. सुभाष हाँ जा रहे हो, आओ आ जाओगे, बट आज स्पेशली लास्ट टाइम जाते हैं. तो सुभाष कहाँ जा रहे हैं मैं बताना भूल गई आपको, ब्राजील जा रहे हैं फिर से. सो लास्ट टाइम अनन्या का बर्थडे था, शाम को चले गए थे. आज हमारी एनिवर्सरी है, शाम को जाएंगे. अनन्या के बर्थडे में एटलीस्ट ऐसा था कि घर में पार्टी हो रही थी, बच्चे थे ना, तो वो फील नहीं आ रहा था कि प्रिपरेशन लगे हुए थे, ये वो ये. बुला लेते हैं किसी को पार्टी के लिए, अकेले पार्टी करूँ मैं बैठ के ऐसा. सो या एनीवेज चलो, काम है तो काम तो करना ही है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है. तो सुभाष जा रहे हैं, मैं भी देखती हूँ थोड़ा, मैं भी कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही हूँ. लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है. और ये मेरे को दर्द हो रहा है, जोर से लग गई क्या. चलो चाय पीते हैं, बैठ कर थोड़ी सी बातें करते हैं बिकॉज ऐसा जल्दी 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 में टाइम जा रहा है. सो और मुझे ऐसा भी लगता है ना, जैसे जैसे एज होती है ऐसा वो वैसा, मतलब जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो चेंज होता रहता है ना. मतलब इनिशियली आपको जो सेलिब्रेशन होती है, मतलब
दोनों सेलिब्रेशन में कोई वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं है कौन सा कम कौन सा ज्यादा है, बट ओवर द टाइम मुझे ऐसा फील होता है पहले मैं बहुत एंथू हो चुकी, ये डेकोरेट कर लिया वो डेकोरेट कर, इनफैक्ट मेरे आप पुराने ब्लॉग्स भी देखोगे ना उसमें भी ऐसा ही डेकोरेशन ये वो, लेकिन लास्ट तक तो हमने यही था, लास्ट ईयर किया था क्या मुझे याद नहीं है, लास्ट ईयर हम लोग शायद बाहर गए थे, अच्छा अच्छा हाँ, उससे पहले तक किया था, हाँ डेकोरेट किया था कि नहीं किया था याद नहीं, बट वो ना ओवर द टाइम आई थिंक वो कम हो जाता है, आई डोंट नो उस वजह से हुआ है होता है या फिर सुभाष जा रहा है इसलिए मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, तो आई डोंट नो। सो जो मॉर्निंग में अरन्या को बना के दिया था उसको मैं हम बोलते हैं बोंडा, ब्रेड रोल काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ना, वैसा ही है एग्जैक्टली। तो मैंने आलू कल रात को ही प्रिपेयर करके रख लिया था, बिकॉज आईने ने बोला था वो ब्रेकफास्ट में लेके जाएगी, मैं उसको बोला तू आगे खा लेना, बट कहते नहीं मैं लेके जाऊंगी स्कूल में टिफिन में, तो वही मैंने फटाफट सुबह बनाया, तो यू नो मेरे को पता है सुबह की हड़बड़ी कितनी होती है, वैसे टाइम नहीं लगा मेरे को शूट करने का, तो अभी आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो मसाला नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसा ही है, तो आप वो देख के मसाला मैंने कल कैसे बनाया था, उसमें क्या क्या डाल के रखा था, फिर मैं आगे का स्टेप बताती हूँ। तो देखो थोड़ा सा हींग डाल के अदरक डाला है, कुटी हुई धनिया पत्ता डाला है, और मटर ना थोड़े ये कच्चे वाले हैं तो फ्रोजन होते तो जल्दी पक जाते हैं, उनको ऐसा मैश कर करके मैं फ्राई करी, तो इसको ठंडा करके इसमें डाल दिया है आलू में। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आप कड़ी पत्ते को फ्रिज में डाल के ड्राई कर सकते हो, वैसे मैंने मिंट लीफ को ड्राई किया है, बिल्कुल इसका फ्लेवर खुशबू वैसे का वैसा है, तो इसका थोड़ा सा पाउडर करके मैं इसमें डालूंगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो मिंट हो गया है, चाट मसाला डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू जो है उसको ऐसे राउंड राउंड कर लिया मैंने, इसको आप ना ऐसे लंबा लंबा भी कर सकते हो, जैसे मैंने सर्कल बनाया है बॉल शेप में, उसको लंबा भी कर सकते हो। जो ब्रेड है उसको इमीडिएटली पानी में डाल के हम फटाक से निकाल लेंगे, और इसको हमको प्रेस करके जितना पानी आप निकाल सकते हो उतना निकालते रहना है। इधर कर देते हैं थोड़ा सा कैमरा, हाँ तो ऐसे ऐसे करके इसको प्रेस करना है हमको, और ये जो आलू है उसको इसके अंदर डालेंगे और इसको प्रेस करके अभी जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी ऐसे हमको ऐसे निचोड़ निचोड़ के निकालना है, ये देखो ऐसे, और इसको साथ ही साथ प्रेस करके हमको ऐसा करना है कि इसके साथ आलू के साथ बाइंड हो जाए, तो प्रेस करके पानी भी निकालना है और इसको सब बाइंड भी करना है, इसको आप ऐसा लंबा लंबा करके, जैसे मैंने बोला ना ब्रेड रोल लंबा लंबा ऐसे भी कर सकते हो, तो ऐसे कटलेट टाइप के आपके ऐसे बन जाते हैं, बट आई एम कीपिंग इट राउंड टुडे। सो अभी जिसको बनाएंगे ना इसको मीडियम फ्लेम पे रखना बहुत जरूरी है, हाई फ्लेम पे रखेंगे तो फटाफट कुक हो जाएगा, अंदर से जो ब्रेड है ना वो कच्चा रह जाएगा, थोड़ा सा कमी कर देती हूँ उसको, अंदर से कच्चा रह जाएगा तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में, तो लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो नहीं थोड़ा सा ज्यादा, समझ गया ना जैसा बोल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल लो रखोगे तो वो पानी तेल को पीता रहेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो अच्छे से इसको कुक करना है, वरना ऊपर से ब्राउन आ जाता है अंदर से पूरा गीला गीला कच्चा कच्चा रह जाता है, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ले रही हूँ 400 ग्राम के करीब दही, बेसन, हल्का हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, पानी डाल के मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे, और फेंटना जरूरी इसलिए है ताकि लंप्स ना बन जाए इसमें, इसको भी रख के साइड में रख देते हैं। तो सुभाष को मैं बोली थी बना देती हूँ कड़ी चावल, कल से मना कर रहे हैं कि बोंडा खाएंगे फिर कड़ी चावल खाएंगे, नहीं खा पाएंगे, मैं कहा तुम थोड़ा सा ही खा लेना, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहे थे कड़ी चावल काफी टाइम हो गया मैंने बनाया नहीं, और सुभाष को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज तुम जितना खाना उतना खाना, बाकी जो बच जाएगा मैं और अनन्या देखेंगे खा ही लेंगे, तो चलो उसके लिए कड़ी चावल बनाया है, और मुझे आई वांट टू हैव आउटसाइड का कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, बिकॉज ये एनिवर्सरी इतना तो बनता है तो वही है, तो देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, अनन्या आएगी तो अनन्या बताएगी उसको क्या खाना है, तो उस हिसाब से ही फिर मैं और अनन्या ऑर्डर करेंगे। पानी पानी वो दो अलग अलग केचप है, सो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा होता है अंदर से, बहुत टेस्टी है, उसमें मिंट डाला है ना मैंने, तो और ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और वो लास्ट टाइम जो कमेंट वो क्वेश्चन डाला था मैंने कि कौन सा सुभाष ऐसा करके कोई तो गाना दिखा रहे थे ना, तो एक तो लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी चलाई जानते, सुभाष का यही था, ये था ना दिमाग में, सुभाष के दिमाग में ये था, और दो तीन फ्रेंड्स है वो भी लिखा है जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, तो वो भी सही है, लेकिन सुभाष के दिमाग में लैम्बोर्गिनी। सो बोंडा कभी बनाया नहीं है तो पक्का बनाना, बहुत टेस्टी बनता है, रेसिपी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, बचपन में हम शायद राजस्थान में थे या कहाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एक आंटी बनाती थी, तो जब भी बनाती थी तो मुझे हमेशा बोलती थी मुझे बुलाना, तो मैं खाती थी, तो पहले भी हम बहुत बनाते थे, तो बहुत कम कर दिया, ये सब तली चीज़ें ना बहुत ट्राई करते हैं कि कम खाएं, और बनाते भी तो क्वांटिटी बहुत कम बनाते हैं, जैसे आई जस्ट हैड वन
टुडे. तो अनन्या है इसलिए यू नो मन करता है कि उसको भी भाई पता होना चाहिए सब चीजें. तो कभी ओकेजन कुछ हो, मन करे जब तब बनाते हैं. तो अच्छा लगा आज बहुत दिनों बाद खा के. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मुझे मामाअर्थ के लिपस्टिक्स कितने पसंद है. आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वही पहनती हूँ. आपके हमेशा क्वेश्चन आती है कि कौन सा लिपस्टिक पहना है आपने. सो आज मैं जो दिखाने वाली हूँ मामाअर्थ का न्यू लॉन्च है, उनके ये प्यारे से क्यूट से मामाअर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. दिस इज बुलेट लिपस्टिक मामाअर्थ की तरफ से. आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स. सो मैट लिपस्टिक लगाना हम सबको पसंद है, बट पूरे दिन इसको कैरी करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. बट मामाअर्थ ने उस चीज का ध्यान रखा है. इसको पहन के यू गेट दैट मैट लिप्स, स्मूथ लिप्स, प्लस दैट कंफर्टेबल जो फील होता है द एंटायर डे. सो ये बिल्कुल बटर की तरह ग्लाइड करता है एंड विद जस्ट वन स्ट्रोक आपको मिलता है इंटेंस कलर पे ऑफ. बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, ऐसा लगता है कि यू नो इट फील्स लाइक नथिंग ऑन द लिप्स. सो मेड सेफ सर्टिफाइड है, केमिकल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. तो इसको आप हर रोज यूज कर सकते हो. इसमें है जोजोबा ऑयल, विटामिन ई दैट मेक्स द लिप्स सॉफ्ट, स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड. कंप्लीटली वाटर प्रूफ है और स्मज प्रूफ भी है. तो आप देख सकते हो इसको लगाते फेस पे कैसा इंस्टेंट निखार जिसको बोलते हैं ना वो आ गया है. सो इट इज 12 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग. तो मैंने सोचा चलो इसको टेस्ट करते हैं. लेट मी टेक दिस 9 to 9 चैलेंज, सॉफ्ट मैट लिपस्टिक चैलेंज. तो इनकेस आप ये लिपस्टिक परचेज करते हो ना, आप भी ये चैलेंज ले सकते हो. मुझे पक्का बताना कमेंट करके कि आपका क्या रिजल्ट आया. सो मैंने इस लिपस्टिक को लगाया था सुबह 9 बजे, जैसे आप पीछे घड़ी में देख सकते हो. उसके बाद घर का सारा काम किया, यू नो जो वैक्यूम वगैरह रेगुलर वर्क होता है वो किया, लंच बनाया, लंच खाया. देख सकते हो टाइम मैं पीछे पीछे सब में डाल रही हूं ताकि आपको आइडिया लगे यू नो उस टाइम पे लिपस्टिक कैसा दिख रहा है. फिर शाम को जाके चाय पिया. आई मीन चाय के पीने के टाइम पे काफी बार लिपस्टिक ना निकल आती है, ना कप पे आया ना वो लिपस्टिक निकला. सो फाइनली एट 9 PM यू कैन सी द लिपस्टिक इज स्टिल देयर, बिल्कुल हाईली पिगमेंटेड, वेरी लाइट वेट. पूरे दिन पहना मैंने उसको, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट था, बहुत कंफर्टेबल था उसको पूरे दिन वेयर करना. सो ये आते हैं 9 डिफरेंट शेड्स में, मोका ब्राउन, मलबरी पिंक, ग्रेप वाइन, बेरी न्यूड, वुडी रोज, पेटल पिंक, रूबी रेड, रेड डालिया एंड हनी ब्लश. मैंने देखा कितने ही प्यारे प्यारे इसके शेड्स हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे है. दे आर प्राइस्ड एट 399 रुपीज ओनली. और इसके साथ आपको और 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मानसी 2023, ये स्क्रीन वाला जो मैंने कोड दिया है. सो आप सिर्फ लिपस्टिक नहीं कुछ भी खरीदते हो मामाअर्थ के ऐप या उसके वेबसाइट से, तो आप ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा अगर आप अमेजोन से खरीदना चाहते हो, फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हो, नाइका या फिर पर्पल से खरीदना चाहते हो, तो उनके भी लिंक्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको सब मिल जाएगा. मामाअर्थ का ऐप पक्का डाउनलोड कर लेना, बिकॉज काफी बार ना बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स और सेल्स आते हैं तो वो ऐप में पहले ही आ जाते हैं. सो यू गेट टू नो अबाउट ऑल द सेल्स. ये तो हुई ऑनलाइन प्रेजेंस की बात, अभी ऑफलाइन स्टोर्स भी आ गए हैं आपके यू नो अगल बगल में. कहीं ना कहीं पक्का मामाअर्थ के स्टोर्स होंगे. आप में से एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके लास्ट टाइम बताया भी था कि उन्होंने यहाँ पे पुणे में फिनिक्स मॉल में देखा है एक स्टोर. सो कोई और फ्रेंड ने अगर कहीं पर उनका स्टोर देखा है तो पक्का कमेंट करके फिर मैसेज करके बताना. मामाअर्थ का सबसे बेस्ट पार्ट है इट्स आर ओन इंडियन ब्रांड, प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है. एंड द बेस्ट थिंग इज जब आप उनके वेबसाइट से जब आप उनसे कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ प्लांट, टू अ ट्री ऑन देयर वेबसाइट एंड सारी डिटेल्स वो आपको भेजते हैं. एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव विच इज लाइक रियली ग्रेट. उनका तेल गर्म हो गया है, उसमें डाल रही हूँ हींग, मस्टर्ड सीड, लाल मिर्च और जीरा. तो चटकने लगे हैं तो प्याज, नमक, इसमें डालूंगी कुटी हुई अदरक और लहसुन, इसमें डालेंगे टमाटर, पॉइंटर थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया है. इसको इस टाइम पे फ्राई करते हैं तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका. मसाले हमने ऑलरेडी कड़ी में डाले हुए थे दही वाले बैटर में, तो थोड़ा सा इसमें डालूंगी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर. अब इसमें जो हमारा दही और बेसन वाला घोल है उसको धीरे धीरे डाल देंगे. इसको एक उबाल आने तक हमको थोड़ा हिलाते रहना है, वरना ना दही काफी बार फट जाती है. सो यहाँ पे पकौड़े बनाएंगे. मैं आलू और प्याज मिक्स करके बनाती हूँ पकौड़े. ये हमारी अच्छे से पक गई है, तो जो पकौड़े हैं वो मैं स्टैंड पे डालूंगी और इसको भी 10 मिनट के करीब और कुक करूंगी. बिकॉज हमें ना घर में सबको ही पकौड़े सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है, लेकिन काफी लोगों को ना हार्ड मतलब क्रंची पसंद है. तो जब सर्व करते हैं तब ऊपर से पकौड़े डाल के फिर सर्व करते हैं, बट आई लाइक इट दिस वे.
सो लो भाई आ गई अनन्या भी टडांग स्कूल से नारा धोना हो गया। इतनी धूप में उसको लेने गई, ऐसा लग रहा है कि जल जाऊंगी मैं। पता नहीं ये लोग स्कूल में जाके ग्राउंड में कैसे खेलते हैं, प्ले ग्राउंड वगैरह में पूरा गेम होता है, ऐसे पूरी ऑरेंज मिट्टी, जूते ऐसे ऑरेंज मिट्टी से ढके हुए रहते हैं इनके। पता आते हुए क्या कह रही थी सुभाष, बताओ जरा पापा को क्या कह रहे थे? ये लोग इतना चुन चुन के डेट, ये लोग मतलब तुम्हारे ऑफिस वाले। अच्छा, तो ऐसे वो ऐसे चुन चुन के डेट निकालते कि अनन्या का बर्थडे कब है, अनन्या सुभाष की बेटी का बर्थडे कब है, 14 जुलाई, सुभाष तुम 14 जुलाई को ब्राजील जा रहे हो, अभी मम उसके वाइफ और उसकी एनिवर्सरी कब है, 20 अप्रैल को चलो 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 गेट एग्जाम। तो मतलब इसका मतलब मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट कब जाऊंगा अपने बर्थडे पे पे जाओगे जाओगे मतलब ओकेजंस पे जाओगे, ऐसा बोलती मुझे फैमिली को भी स्पॉन्सर करो, मतलब खुद से जाने का टिकट इतना महंगा है, हमने फर्स्ट टाइम में सोचा था लेकिन इतनी महंगी है। ये राउंड ट्रिप एक बंदे का कितना पड़ रहा था, 3 लाख, 3-3.5 लाख राउंड ट्रिप एक बंदे का सिर्फ, तो मतलब जस्ट फ्लाइट हाँ, रहना खाना सब कुछ अलग। तो स्पॉन्सर करो भाई फैमिली को भी साथ में। चलो सुभाष का तो हो गया कढ़ी चावल और हमारा नूडल्स। मुझे चाइनीज बहुत बहुत पसंद है और सुभाष इज लाइक उसको चाइनीज ऐसा है कि लास्ट है उसके लिस्ट में। सो लंच हो गया है, अभी इंजॉय कर रहे हैं खीर। सुभाष जस्ट फ्री हुआ है अपने कॉल से, कॉल से खत्म नहीं होता मतलब मीटिंग, बेसिकली मीटिंग से खत्म नहीं होता। काम काम चलता रहना चाहिए, बोलो बस करो भाई, ट्रैवल करना है मुझे, शाम को निकलना है, अब आराम करने तो थोड़ा सा। अभी बात करो, ऐसा मीटिंग्स कर लो। सो पुणे का वेदर हो गया इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतनी गर्मी और धूप थी सुबह भी, देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, कितना भला करने वालों का भला होता है। देखो मैंने आपको बारिश भेजी, सुबह मेरे को धूप मिली, तो मैंने क्योंकि अच्छा काम किया आपको बारिश भेज के, इसलिए वापस बारिश हो गई। बहुत ही गंदा वाला जोक था, आई नो। चलो आप लोग यहीं से इंजॉय करो बारिश। सुभाष खुश हो गया, सुभाष को बारिश इतनी पसंद है, मस्त मोटी मोटी वाली स्टार्ट हो गई बारिश। मौसम ठंडा हुआ, छुटपुट पड़ती है 5 मिनट के लिए, फिर हाँ फिर धूप आती है, फिर गर्मी और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। बस 2 सेकंड की बारिश थी, अब धूप आ गई, इसी वजह से गर्मी इतनी तेज हो रही है। वो ह्यूमिड वाला नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग तो पता नहीं आने, बट ये देखो धूप आ गई, जस्ट बारिश हुई थी अभी धूप। मैं शाम को जस्ट सो के उठी तो देखा अनन्या यहाँ पे आके सो गई है, अभी को बनाते हैं। ये हमारे घर के टॉम एंड जेरी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, अनन्या मना रही है पापा को। तो मान जाओ ना, मान जाओ, वापिस गुस्सा भी वो रख दो, क्या बोलते हैं अकाउंट में रख दो, जब वापस आ जाओगे तब अकाउंट खोल लेना गुस्से का। क्या बैंक चल रहा है, उस पर लोन चल, उस पर इंटरेस्ट जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर लेना फिर बाद में आके। तो आज हमने अनन्या का हिसाब से मंगाया है, नहीं अनन्या? हाँ। अनन्या को ये लेमन वाला बहुत पसंद है। ओके, सो हमने इस बार केक भी स्किप कर दिया बिकॉज मीठा इतना ज्यादा हो रहा था, नहीं, ना केक। और हाँ, ये ऑब्वियसली केक है, ये अनन्या ने चूज किया लेमन लोफ, उसने कुछ दिन पहले खाया था तो उसको बहुत पसंद था, मम्मा ये मंगाऊंगा, चलो ठीक है। केक ऑर्डर करते ना फिर पड़ा रहता, फिर ऐसा जबरदस्ती खाना पड़ता बिकॉज अकेले हम लोग कितना ही खा लेंगे ना, तो ऐसे बहुत ज्यादा मन नहीं था, लेकिन खाना हो जाता है वही तो ना, लेकिन खाना नहीं था ना जबरदस्ती, इसको मेल्ट में तो ना देना, ठीक है, जबरदस्ती खाने का सेंस नहीं, मतलब जब मन करेगा अभी तो मंगाएंगे, सुबह से वापस आएगा तब मंगाएंगे, ठीक है, चलो करें जल्दी से, कुछ बनाओ। 1 2 3 15 years of togetherness। चलो आईना कट करेंगे, ये है हमारी एनिवर्सरी आज का ब्लॉग,
थोड़ी देर में सुभाष निकल जाएंगे, तो या चलो लास्ट टू लास्ट ईयर तक इतना फैंसी, देखा मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था ना सेलिब्रेट सुभाष, बोला मैं ही तो सेलिब्रेट करता था, देखो इस बार मैंने कुछ नहीं बोला तो इस बार कोई डेकोरेशन वेकोरेशन कुछ नहीं हुआ, तो कौन सेलिब्रेट करता था? हम दोनों. देखा हम दोनों पे आ गए, मतलब पहले हम अभी हम दोनों. If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment, can we stay here forever, forever. Subhash has changed so much. पहले जितना कम सूटकेस हो उतना कम उसको लेके जाने का होता था कि एक सूटकेस करो दो सूट ठूस ठूस के, इस बार देखो दो दो सूटकेस लेके जा रहा है अकेला और खाली पड़ी है तो समझ में नहीं आ रहा क्या ठूसे. लास्ट टाइम भी दो ही लेके गया था मैं. नहीं लास्ट टाइम लेके गए थे, एक छोटा लेके गए थे, इस बार तुम बड़ा लेके जा रहे हो ना वही. और ये देखो देखो क्या ठूसा जा रहा है, देखो 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 मैगी. कहीं भी जाओ भाई मैगी से दोस्ती नहीं छूट सकती, बीवी साथ में लेके जाए ना लेके जाए मैगी पक्का साथ में जाती है. चीज बहुत मिलता है खाने में, मन नहीं करता चीज. नहीं ठीक है ठीक, मैं तो कह रही हूँ और भी ले जाओ, तो पैकेट इतना खाली है, ले जाओ मैगी पार्टी करना सबके साथ. छह दिन का तो हो गया, मत जाओ. तू भी चले जा, सूटकेस पापा की आधी खाली पड़ी है वैसे, पापा को समझ में नहीं आ रहा कैसे भरे. तो मामा के साथ रहेगी कि पापा के साथ जाएगी बता, ऑप्शन मिलेगा तो. चलो लेट्स नॉट पुट हर इनटू दैट टफ सिचुएशन. कसा लगाती हूँ आईने पूरा मिलेगा इतना ना, इतना सोना लगा था वो हल्का सा, बाबू बिल्कुल हल्का सा. चश्मे में भी गिरा दिया क्या? थोड़ा सा साफ कर लो, हल्का सा नीचे. क्या हो गया आपकी मम्मा को पेशा मत कर, ठीक है बात सुन लो. चलो एंजॉय. Love you too, enjoy. Bye. 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 बस 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 चौके चौके आ जाएंगे पापा कुछ दिनों में, बस 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 कुछ नहीं आ जाएंगे. चलो अंदर चले मच्छर खाएंगे आप. पूरी कैब नीचे पापा की, रोना तो बंद करो, बस 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 रोना तो बंद करो. सो रही सुभाष की कैब देखो, स्मेल करके दिखाओ. देखो मैंने स्मेल कर रही है ना फाइनली. तो चलो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. सो या सुभाष निकल गए तो आ जाएंगे कुछ दिनों में. सो चलो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. और यस आप सबके बहुत सारे प्यारे प्यारे विशेस आए हैं, इतने सारे, किसी को शायद मैं रिप्लाई करना भूल गई हूँ तो आई एम सॉरी. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल. तो या चलो आज का व्लॉग यहीं पे इसी के साथ मैं एंड करती हूँ. सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.